नमस्कार, बॉबी जैमिनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सभी प्लेटफॉर्मों से नमो टीवी गायब। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही गायब हो गया डीटीएच प्लेटफॉर्मों से चैनल गायब होने की टाइमिंग पर लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। 26 मार्च को लोकसभा चुनाव शुरू होने से कुछ दिन पहले ही 26 मार्च को लोगों को अपने सेट टॉप बॉक्स में नमो टीवी का विकल्प दिखाई दिया था। भाजपा द्वारा पंडित इस चैनल के ऑन एयर होने पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। नमो टीवी को विपक्षी पार्टियों ने प्रचार मशीन बताया था। इस चैनल में सिर्फ पीएम मोदी के इंटरव्यू, रैलियों और फिल्में प्रसारित होती थी। डीटीएच ऑपरेटर और टाटा स्काई, वीडियोकॉन और डिश टीवी ने नमो टीवी को फ्री टू एयर करार दिया था। इस चैनल को देखने के लिए उपभोक्ताओं को कोई फीस नहीं चुकानी होती थी। ये चैनल पूरे देश में दिख रहा था। चुनाव आयोग के संज्ञान में नमो टीवी का मामला आने के बाद आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से इस पर स्पष्टीकरण मांगा था। सूचना प्रसारण मंत्रालय के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। मंत्रालय ने जवाब में कहा कि नमो टीवी एक विज्ञापन आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे कई डायरेक्ट टू होम ऑपरेटरों द्वारा विपरीत किया गया था, जिसका खर्च भाजपा द्वारा वहन किया गया था। आप प्रत्याशी ने जताई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को चुनाव आयोग से दक्षिण दिल्ली के एक मतगणना केंद्र पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को 23 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले ईवीएम में छेड़छाड़ की योजना है। आम आदमी पार्टी की दक्षिण दिल्ली के उम्मीदवार और पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा ने पत्र लिखकर कहा कि उनके पास यह मानने की मजबूत वजह है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी स्ट्रांग रूम को खोलने का और मशीनों में हेरा फेरी या उन्हें बदलने का प्रयास करेंगे। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। चड्ढा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखकर एक और स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम जीजाजी बाई संस्था में CRPF की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध करते हैं, जहां दक्षिण दिल्ली की ईवीएम रखी गई। यह भी अनुरोध है कि स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रखने के लिए CRPF के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर परिवार और पीएम मोदी निधि श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज गांधी परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पूर्व उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा वीरभूमि पहुंचे। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी परिवार के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।